हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोडा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं थोड़े टाइम से बिजी थी इसलिए आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कंपनी ऑडिटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके लॉ में भी कवर होता है, साथ ही साथ ये ऑडिट में भी कवर होता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी ऑडिट का जो फर्स्ट सेक्शन हम रीड करने वाले हैं वो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 और 7, जो बोलता है फर्स्ट ऑडिटर के बारे में। ये क्या बोलता है कि किसी भी कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो केस है, 139(6) और 139(7). 139(6) है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात करता है और 139(7) है वो गवर्नमेंट कंपनी की बात करता है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे 139 सबसेक्शन 6। ये बोलता है कि फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो बीओडी करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके विद इन 30 डेज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं 30 डेज में, तो जो मेंबर्स है वो अपॉइंट करेंगे। और ये अपॉइंट कब तक करेंगे, 90 डेज फ्रॉम द डेट जहां पर बीओडी फेल हो गए। मतलब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन इस डेट को हुआ, ठीक है, तो इस डेट से लेके और 30 डेज के अंदर बीओडी अपॉइंट करेंगे, बीओडी के पास में ये पावर है। लेकिन इन 30 डेज में अगर बीओडी अपॉइंट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर जो मेंबर हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और वहां पर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अब ये बोलता है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका टेन्योर कब तक रहेगा। तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है इसका टेन्योर रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक इसका टेन्योर रहेगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करने का जो भी राइट है वो शेयर होल्डर्स के पास में होता है या फिर मेंबर्स के पास में होता है। लेकिन जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उस टाइम पे हाथों हाथ तो उसके एजीएम नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर टेम्पररी एक बार फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। अब जब एजीएम यहां पर कंक्लूड हो गई तो यहां पर मेंबर अपॉइंट करेंगे किसी भी ऑडिटर को। ये फर्स्ट ऑडिटर भी हो सकता है या इसकी जगह पर कोई और ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज की। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इस चार्ट से ही मैं समझा रही हूँ। तो यहां पर जब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके 60 डेज के अंदर जो सीएजी है वो यहां पर गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट जो ऑडिटर है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर सीएजी फेल होते हैं 60 डेज में अपॉइंट करने में, तो यहां पर बीओडी के पास में पावर है कि वो नेक्स्ट 30 डेज में यहां पर गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बीओडी भी फेल हो जाए अपॉइंट करने में, तो नेक्स्ट 60 डेज में जो मेंबर्स हैं वो यहां पर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल था, गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर सीएजी के पास में ये पावर होती है कि वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर पाए। लेकिन अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के विद इन 60 डेज में सीएजी यहां पर नहीं कर पाता है तो उस केस में यहां पर 30 डेज में बीओडी करेंगे। अगर बीओडी भी नहीं कर पाते तो विद इन 60 डेज है वो मेंबर यहां पर अपॉइंट करेंगे। अब ये जो फर्स्ट ऑडिटर होगा गवर्नमेंट कंपनी का, उसका भी टेन्योर कितना होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कुछ और सेक्शंस की, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और 5, ठीक है। तो यहां पर 139(1) क्या बोलता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा। यहां पर गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं हो रही, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है कि यहां पर जो भी ऑडिटर है उसको एक रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी। बेसिकली दोनों सेक्शन सबसिक्वेंट ऑडिटर के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो भी ऑडिटर है उसको यहां पर अपनी रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी कि वो यहां पर ऑडिटर बनने के लिए यहां पर उसकी कंसेंट होनी चाहिए। सेकंड, यहां पर सर्टिफाइड करना पड़ेगा ऑडिटर को कि वो यहां पर एलिजिबल है। मतलब कोई भी सेक्शन 141(3) की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, इसको ये राइटिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में जब भी ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको किसको, यहां पर सबसे पहले तो जो कंसर्न्ड ऑडिटर है जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और यहां पर आरओसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग इन विच ही इज अपॉइंटेड। मतलब जब भी मीटिंग है जहां पर यहां पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है उसके यहां पर 15 डेज में आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा ADT 1 फॉर्म में। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां पर बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो यहां पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर अगर ऑडिट कमेटी बनी हुई है तो उस केस में जो ऑडिट कमेटी है वो रिकमेंड करेगी बीओडी को, और बीओडी अगर अग्री होते हैं तो वो मेंबर्स को भेजेंगे और जो मेंबर्स है वो अल्टीमेटली यहां पर अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सीधा बीओडी यहां पर मेंबर्स को रिकमेंडेशन देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स,
यहाँ पर समझना, यहाँ पर अगर ऑडिट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी बीओडी को, अगर ये अग्री हो गए तो ये मेंबर्स को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये अग्री नहीं हुए तो वो लिस्ट डाउन करेंगे रीजन कि वो क्यों अग्री नहीं है, फिर वो रीजन किसको भेजेंगे, ऑडिट कमेटी को। अब अगर ऑडिट कमेटी को भी लगता है कि हाँ बीओडी सही बोल रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन जो भी होगी उसमें करेक्शन करेगा और जो करेक्शन है वापस बीओडी को देगा और बीओडी यहाँ पर वापस मेंबर को भेज देंगे वो ऑडिटर रिकमेंडेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑडिट कमेटी सेटिस्फाइड नहीं है कि बीओडी की रिकमेंडेशन से, तो क्या होगा, जो भी ऑडिट कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन प्लस यहाँ पर बीओडी की जो रिकमेंडेशन है वो मेंबर्स के पास जाएगी और अल्टीमेटली मेंबर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑडिट कमेटी है चाहे बीओडी है, दोनों ही जब भी कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं उससे पहले उनको देखना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है क्या, जिस भी बंदे को वो अपॉइंट करना चाहते हैं उसके पास प्रॉपर, उसके ऊपर कोई भी पेंडिंग या फिर कोई भी ऑर्डर है वो तो यहाँ पर ड्यू नहीं है। इसके अलावा उनको और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए इंक्वायरी करने के लिए तो यहाँ पर मंगा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है इसका जो टेन्योर है वो कब तक रहेगा, तो फर्स्ट एजीएम से लेके सिक्स्थ एजीएम तक इसका टेन्योर रहेगा, बेसिकली 5 ईयर्स का होता है तो यहाँ पर 5 ईयर्स तक उसका जो टेन्योर है वो रहेगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो भी सीएचए है वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पर ऑडिटर को अपॉइंट करना है उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 डेज के अंदर अंदर उसको वो अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और इसका टेन्योर कब तक रहेगा, एजीएम के कंक्लूजन तक इसका टेन्योर रहेगा। यहाँ पर सिक्स एजीएम वाली बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर उसके 180 डेज में यहाँ पर सीएजी अपॉइंट करेगा एक ड्यूली क्वालिफाइड बंदे को और उसका जो भी टेन्योर है वो एजीएम के कंक्लूजन तक रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम इस चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ भी सजेशन लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में। थैंक यू।